हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन क्रिप्टो बिल और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पैनिक का माहौल यहाँ पर इंडियन क्रिप्टो यूजर्स के बीच में बना हुआ है। जब से ये खबर आई है कि फॉरेन एक्सचेंजेस पर बैन लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो ट्रांसफर अमाउंट हो रहा है दोस्तों इंडियन एक्सचेंजेस पर, वो आपको देखने को मिलेगा। और इस वजह से अगर आप देखें तो इंडियन एक्सचेंजेस पर जो डिपॉजिट और विड्रॉल है वो भी काफी ज्यादा रुका हुआ है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन से दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस से जहां पर डिपॉजिट अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो हम आपके लिए यहां पर इंडियन एक्सचेंजेस की लिस्ट भी लेकर आए हैं। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया के हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट से जो बीटमार्ट एक्सचेंज से जुड़ी हुई है। दोस्तों, बीटमार्ट एक्सचेंज इंडिया का एक्सचेंज नहीं है, और अगर आप बीटमार्ट पर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बीटमार्ट हैक्ड फॉर $200 मिलियन फॉलोइंग इथेरियम बाइनेंस स्मार्ट चेन। यहां पर बीटमार्ट का जो टोटल लॉस्ट बताया जा रहा है वो लगभग $200 मिलियन हो रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो उनके वॉलेट डेट थे इथेरियम और बीएससी ब्लॉकचेन पर, वहां से ये $200 मिलियन का जो लॉस्ट है उनको यहां पर उठाना पड़ा हुआ है। पहले ऐसा बताया गया था कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर ही हैकिंग हुई है जो लगभग $100 मिलियन की हो रही थी, लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर बीएससी ब्लॉकचेन पर भी हुआ है हैकिंग, और लगभग वहां पर भी $96 मिलियन की हैकिंग हुई है। अगर आप यहां पर देखें तो टोटल एस्टिमेटेड लॉस आज के दिन में बीटमार्ट को हुआ लगभग $200 मिलियन का। 100 मिलियन हुआ है इथेरियम ब्लॉकचेन पर, और अगर बात करें 96 मिलियन हुआ है बाइनेंस चेन पर। और अगर आप देखें तो यहां पर देख सकते हैं बाइनेंस चेन पर किन-किन कॉइंस को, किन-किन एसेट्स को नुकसान हुआ है, इतनी क्वांटिटीज में वहां से इनका विड्रॉल हुआ है एक एनोनिमस एड्रेस पर। सेफमून की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं सेफमून की क्वांटिटी आपको ज्यादा दिखेगी, X2P, बेबी डॉज, इसके अलावा फ्लोकी इनू, और भी कुछ कॉइंस आप यहां पर देख सकते हैं जैसे BNB भी। तो दोस्तों, काफी कुछ अमाउंट में यहां पर जो हैकिंग है वो देखने को मिली है, जिस वजह से बीटमार्ट ने अभी यहां पर टेंपरेरली अपने विड्रॉल को बंद कर दिया है, अभी विड्रॉल वहां पर अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं दोस्तों इंडियन क्रिप्टो बिल से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की ओर, जहां पर निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ है टेक्नोलॉजी को लेकर। और इन्होंने यहां पर यही कहा है दोस्तों कि इंडिया में टेक्नोलॉजी को लेकर काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, और युवाओं का बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है टेक्नोलॉजी को लेकर, और वहां पर युवा भी साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर जो बिल पेश होने वाला है उसमें ये सब चीजें ध्यान में रखी गई है। जो बिल आपके लिए लेकर आने वाले हैं उसमें टेक्नोलॉजी को लेकर भी यहां पर ये ध्यान रखा गया है कि जिससे यहां पर एक ब्लीच क्रिएट ना हो। जैसा कि अभी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा न्यूज वायरल हो रही है इंडियन एक्सचेंजेस को लेकर कि इंडियन एक्सचेंजेस ही यहां पर अवेलेबल हो पाएंगे जब बिल पेश होगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंजेस बैन हो जाएंगे जो अभी आपके वहां पर क्रिप्टो होल्ड करे हुए हैं उनको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। उस न्यूज में अगर आप देखें तो वहां पर जुर्माना भी करोड़ों में रखा गया था, साथ ही जेल का भी वहां पर प्रावधान था। तो उसको लेकर अगर हम देखें तो यहां पर काफी ज्यादा जो पैनिक का माहौल है वो भी बना हुआ है। इंडियन एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडियन एक्सचेंजेस हैंडल ही नहीं कर पा रहे ट्रैफिक, काफी ज्यादा यहां पर ट्रांसफर अमाउंट हो रहा है। अगर हम बात करें इंडियन एक्सचेंजेस पर तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहां पर अभी विड्रॉल रुका हुआ है क्योंकि वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे। कल जब मार्केट क्रैश हुआ बहुत सारे लोगों को मौका मिला था यहां पर कुछ क्वांटिटीज में कॉइंस को खरीदने का, जिन्होंने यहां पर ज्यादा प्राइस में खरीदा वो एवरेज आउट भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप देखें तो वो मौका भी वहां से उनके हाथों से छूट गया क्योंकि वहां पर डिपॉजिट ही अवेलेबल नहीं था। और दोस्तों, अगर यहां पर ऐसा होता है कि इंडियन एक्सचेंजेस को ही सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा अलो किया जाता है तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यहां पर पैनिक का माहौल क्रिएट होगा जब भी मार्केट यहां पर थोड़ा सा डाउन में जाएगा, क्योंकि वो अपनी मोनोपोली वहां पर चलाते हुए नजर आएंगे। तो इस न्यूज से यह पता चलता है दोस्तों कि शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि इंडियन एक्सचेंजेस पर ही सिर्फ हम ट्रेडिंग कर पाए, मतलब फॉरेन एक्सचेंजेस बैन नहीं होंगे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंजेस एक तरीके से यहां पर कनेक्टेड होते हैं इंडियन एक्सचेंजेस के साथ। अगर हम बात करें वजीरेक्स की, जो वजीरेक्स है दोस्तों वो भी बाइनेंस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो दोस्तों, हम यहां पर आपके लिए एक लिस्ट लेकर आए हैं जो इंडियन एक्सचेंजेस की है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अभी जिस एक्सचेंज का यूज कर रहे हैं वो इंडिया का एक्सचेंज है या फिर फॉरेन एक्सचेंज है। सबसे पहले बात करते हैं कॉइन डीसीएक्स की। दोस्तों, कॉइन डीसीएक्स इंडिया का एक्सचेंज है, लॉन्चिंग हुई थी लगभग 2018 में। तो अगर आप कॉइन डीसीएक्स को यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं करना है क्योंकि इंडिया का एक्सचेंज है, और अगर हम देखें तो ये लगभग 200 प्लस क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ZPay की अगर हम बात करें दोस्तों तो ZPay भी इंडिया का ही एक्सचेंज है, और यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप ZPay को यूज करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वजीरेक्स की अगर हम बात करें, वजीरेक्स इंडिया का टॉप एक्सचेंज है, ये भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है। इसके अलावा बात करें कॉइन स्विच कुबेर की, तो ये भी इंडिया का ही एक्सचेंज है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। और अगर हम बात करें अगले एक्सचेंज की तो यूनो कॉइन दोस्तों, ये भी इंडिया का एक्सचेंज है, और इस प्लेटफॉर्म पर भी लगभग अभी की बात करें तो 1.5 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड है। अगर बात करें स्टेबलाइजमेंट की,
तो आप देख सकते हैं लगभग 2013 में लॉन्च हुआ था, तो काफी पुराना एक्सचेंज है ये। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और एक्सचेंज जो इंडिया का ही है, ज़ियोटस। अगर आप इसको भी यूज करते हैं तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है। कॉइन स्विच, कुबेर, ज़ेप्पे, इसके अलावा बीट बीएनएस, ये भी इंडिया का एक्सचेंज है। यहाँ पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों 98+ क्रिप्टो करेंसी को ये भी सपोर्ट करता है। P2P INR में डिपॉजिट यहाँ पर भी अवेलेबल है। CoinDCX पर भी INR में डिपॉजिट अवेलेबल है। ये 2018 में लॉन्च हुआ था, और इसके पहले अगर हम देखें तो Vajrex और Bayou Coin। तो ये कुछ ऐसे एक्सचेंजेस है दोस्तों जो इंडिया के टॉप एक्सचेंजेस है, जिसमें बहुत सारे यूजर्स ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप इनमें ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आपके क्रिप्टोस इन एक्सचेंजेस पर होल्ड किए हुए हैं, तो जो न्यूज आ रही है दोस्तों इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर और फॉरेन एक्सचेंजेस को लेकर जो पैनिक बन रहा है, वो अब आपको नहीं करना चाहिए, अगर आपके होल्डिंग्स इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर रखे हुए हैं। और दोस्तों जैसी कि उम्मीद थी कि मार्केट बहुत जल्द रिकवर करता हुआ नजर आएगा, आप देख सकते हैं मार्केट यहां पर कल से अच्छा खासा रिकवर कर रहा है। 24 आवर्स में लगभग 6.61% ऊपर की ओर आ चुका है। BTC यहां पर $50,000 को आज के दिन में कभी भी क्रॉस कर सकता है। आप देख सकते हैं $49,000 के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। इथेरियम यहां पर अच्छा खासा ऊपर आ चुका है, लगभग $4,205 पर। अगर बात करें सोलाना की, तो फिर से $200 को छू दिया है। और आप देख सकते हैं सभी कॉइंस जो कल के दिन में काफी ज्यादा डाउन में थे, XRP आप देख सकते हैं लगभग 15% बड़ा हुआ है। लूना, माना, इसके अलावा अगर हम बात करें शिबा, सभी कॉइन्स यहां पर ऊपर की ओर आ रहे हैं। तो वो लोग जो पैनिक में ये कह रहे थे कि मार्केट और ज्यादा डीप में जाएगा, तो बिल्कुल दोस्तों अगर आपने होल्ड किया होगा तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो लॉस है धीरे-धीरे कवर करता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत जल्द मार्केट यहां से फिर से उठता हुआ नजर आएगा। दोस्तों और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी।